देखो जदों दा तू वाइफ मैनू कह गया देख ना चिर तैनू रिफ्यूज कर। सो हेलो गाइस, क्या आप लोग भी चाहते हो लव स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना? तो बहुत ही आसानी से हम लोग को बताने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का वीडियो ट्रेंड कर रहा है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं इस टाइप का वीडियो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। सबसे पहले गाइस, इस टाइप का वीडियो एडिट करने के लिए एक फ़ोटो एंड स्टेटस का आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, जो शायरी बोलते हैं, तो गूगल ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको पिक्सल लैब में ऐड करेंगे। तो चलिए आप लोग को पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन करना है गाइस। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, तो न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है एंड थ्री डॉट पे आ जाना है, इमेज साइज पे आ जाना है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। और यहाँ से 720 आप लोग को सेलेक्ट करके ओके कर देना है एंड लास्ट में आना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रांसफ़र पर आना है। इतना करने के बाद आप लोग को फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना होगा, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फॉर गैलरी पे जाना है एंड फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है अच्छे से, ठीक है। एंड स्क्रॉल करते हुए जाना है, इस वाले ऑप्शन पे आना है, स्क्रॉल करते हुए आप लोग को जाना है स्टॉप पे जाना है, इसको इनेबल करना है एंड ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसको हल्का सा बढ़ा लेना है एंड शेडो वाले ऑप्शन पे चले जाना है, इसको भी बढ़ा के ब्लैक वाला सेलेक्ट करके इसको भी हल्का सा कर देंगे और सबसे नीचे वाला 9-10 पे कर देंगे गाइस। इतना करने के बाद क्या करना है गाइस, प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे टैप करके आप लोग को वो शायरी ऐड कर लेना होगा जो आप लोग गूगल से निकाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं एंड इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को, स्क्रॉल करते हुए इधर आना है, कलर इसका चेंज कर देना है गाइस, ठीक है। तो कोई सा भी कलर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्या करना है गाइस, स्क्रॉल करते हुए आना है, शैडो को आना है, शैडो को इनेबल करना है, हल्का सा इनेबल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना है। अब क्या करना है आप लोग को, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से क्लिक करके कोई सा भी आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम आईडी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है गाइस। और यहाँ पे आप लोग को कोई सा भी पीएनजी लगाना चाहते हो, लव वाला, दिल वगैरह, तो लगा सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप लोग को सेव करना है, सेव इमेज पे जाना है, सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब क्या करना है गाइस, ये लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, 9:16 रेशियो रख लेना है एंड हल्का वाइट हल्का ब्लैक आप लोग को सेलेक्ट कर लेना होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है गाइस। अब क्या करना है आप लोग को, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे चले जाना है और आप लोग जो स्टेटस पिक्सल लैब में बनाए होगे उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस वीडियो को बढ़ा लेना है, जितना बड़ा सॉन्ग है उतना बड़ा इसको करना पड़ेगा गाइस। तो चलिए मैं इसको बढ़ाता हूँ। अब क्या करना है गाइस, अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वीडियो वाले ऑप्शन पे टैप करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, डिफेक्ट पे जाना है, यहाँ से आप लोग को सर्च करना है चैनल रैम RGB, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखना है एंड FB पे है ना, इसको Y पे रख देना है गाइस, ठीक है। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इतना करने के बाद दोबारा से वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है और आप लोग को ग्लो स्किन सर्च करना है, ठीक है। ग्लो स्क्रीन पे टैप करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखना है एंड ग्लो स्टेप को क्लिक करके आप लोग को एक प्लस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना गाइस, इस पर टैप करना है और हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, इस प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है और ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, इसको हल्का हल्का बढ़ा लेंगे गाइस, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग, लग गया इफेक्ट। अब क्या करना है आप लोग को, दोबारा से वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है एंड आप लोग को यहाँ से सर्च करने लगा होगा पेप बार,
वेबबार सेलेक्ट कर लेना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पर रख लेना है गाइस, ठीक है। वेबबार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तीसरे नंबर पर जाके इसको हल्का सा बस बढ़ाना है गाइस, ठीक है, हल्का सा ही बढ़ा लेंगे। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को, प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड वीडियो के लास्ट में चले जाना है, प्लस वाले पे दोबारा से टैप कर देना है एंड अब क्या करना है आप लोग को, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, इसको हल्का हल्का बढ़ाना है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये इफेक्ट लग चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर इसमें आप लोग और कुछ भी करना चाहते हो तो और कुछ कर सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो। सेटिंग वाले ऑप्शन के बगल में आना है एंड वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अगर वीडियो ना समझ में आया होगा तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो।